हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 23 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी DSSP यूपीएससी एवं अन्य जो समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैं फ्रेंड्स ये बता दूं कि जिन जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, जो पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में, फॉर्म के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, तो कल मैं इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी। तो उसके पहले आपके जो भी क्वेश्चंस हो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, मेरे बारे में नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो आपको, ठीक है, वो आप लिखिए और उन सारे क्वेश्चंस को मैं उसमें इंक्लूड करूँगी, उसके आंसर्स दूँगी। ओके, तो मैं आज बनाने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लूँ ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर रह ही जाता है। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रक्रिया से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लिखिए और कल मैं उसके आंसर्स आपको दूंगी। और साथ ही साथ जो प्रक्रिया है इससे रिलेटेड चीज़ें, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं, किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। ओके, और प्रूफ के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसकी प्रक्रिया से रिलेटेड। ओके, तो शुरू करते हैं। किसके अनुसार, क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसके अनुसार बच्चे का जब दूसरे व्यक्तियों से संवहनात्मक संपर्क यानी इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, स्व का विकास होता है, तो ये मीड का कथन है। ठीक है, मीड ने क्या कहा कि बच्चा जो होता है वो आई होता है। ठीक है, आई होता है वो ढेर सारे मी से घिरा होता है, उसकी मम्मी भी मी है, उसके पापा भी मी है, उसके चाचा भी मी है, उसके बड़े बड़े भाई बहन भी मी है, उसके पड़ोसी जो है, ठीक है, इस तरह से ढेर सारे मी से घिरा होता है, सबसे इंट्रैक्शन होता है, किसी से कहानियों से के द्वारा चीज़ें सीखता है, किसी से डांट के द्वारा सीखता है, किसी से हास्य के द्वारा सीखता है, ठीक है, किसी से उसको दुलारा जाता है तब सीखता है, ठीक है, किसी से किसी और ढंग से सीखता है, किसी से व्यंग्यात्मक बोली से सीखता है, ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो सीखता चला जाता है। जैसे उसने बिना हाथ धुले खाना खाया तो मम्मी से डांट पड़ी, दोबारा उसने खाना खाया तो हाथ धुल के खाया, ठीक है, उसने झूठ बोला तो उसको डांट पड़ी दादाजी से, तो किसने क्या किया, उसने सच बोलना शुरू किया। तो इस तरह से क्या होता है कि एक दूसरे से जब अंतःक्रिया होती है, संवहनात्मक संपर्क होता है, संवहन का मतलब होता है कि जिनके अंदर जो ज्ञान है, जैसे दादाजी के अंदर जो ज्ञान है वो अपने पौत्र को वो दें, ठीक है, अपने पौत्र को दें कि तुम झूठ मत बोलो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तो वो संवहन होता है, ठीक है। तो मी जो है वो अपने जो मूल्य है उसने समाज से सीखे हैं उसको वो क्या करता है, वो आई को संवहन करता है, उसको भेजता है। ओके, तो ये किसका कथन है, किसने ये बात बोली, मीड ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने समुदाय को जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध कहा है, कौन है वो, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है और उन्होंने ये कथन भी बोला है। टोटम विशुद्ध रूप से माना जाता है, क्या माना जाता है, टोटम अवैयक्तिक, ठीक है, टोटम अवैयक्तिक होता है क्योंकि टोटम को हम अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक संरचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण किसने प्रस्तुत किया, पीटर बर्गर ने, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन के जीवन में सामान्य बुद्धि ज्ञान, यानी इन्होंने प्रकटना शास्त्र के अंतर्गत ये बातें बोली हैं कि हमारा जो कॉमन सेंस होता है उसी से हम जो तत्काल आने वाली समस्याएं हैं उसको हम हल करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, किसने अंतर समूह और बाह्य समूह में विभेद किया, वो समनर है, समनर के समूह के चैप्टर मैंने बताया हुआ है अंतर समूह और बाह्य समूह क्या है, ठीक है, तो ये समनर है। अंतः समूह जैसे कि हमारे जो जिससे बहुत घनिष्ठ लगाव होता है, जो हमारे बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है, तो वो अंतः समूह हो गए। और वाय समूह जो वे समूह होते हैं, दूर का रिश्ता होता है, दूर का संबंध होता है, कोई लगाव नहीं होता हमारा, केवल हम समूह से जुड़े होते हैं अपने उद्देश्य के लिए, तो वो क्या हो गया, वाय समूह हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है, क्या है, विवाह का विकल्प है, ठीक है, यानी वो विवाह नहीं करना चाहते अभी, तो क्या कर रहे हैं, वो सहवास के लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड बना रखी है या फिर किसी महिला से उन्होंने संपर्क बना रखा है, तो वो विवाह के विकल्प के रूप में यूज़ होता है, जब तक विवाह ना हो जाए तब तक इस तरह से वो कार्य करते हैं। फिर कोटेशन है कि किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है, कौन है वो, लोए, ठीक है, ये लोए का कथन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रणाली के बीच में अंतर किसने बताया, तो दुर्खीम ने, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दुर्खीम ने 2 प्रकार के तथ्य बताए, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकी सामाजिक तथ्य। तो सामान्य सामाजिक तथ्य क्या है, जो समाज में चीज़ें उपलब्ध हैं
ठीक है, तो वो सामान्य है, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो विकृत हो जाता है। जैसे समाज में चोरी भी होता है, रेप भी होता है, डकैती भी होता है, हत्याएं भी होती हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो समाज के लिए ये काफ़ी घातक हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक समस्या बन जाते हैं, फिर इस पर रिसर्च होने लगते हैं, फिर अफरा तफरी मचती है कि इनके लिए कुछ नियम बनाया जाए, कुछ किए जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब तक चीज़ों की मात्रा नहीं बढ़ती तब तक वो क्या होगा, विकृत नहीं होगा, वो केवल सामान्य होगा। ठीक है, तो समाज में ये सब चीज़ें होती ही हैं, जब तक मात्रा बढ़ेगी नहीं तब तक विकृत समाज नहीं कहलाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में नृविज्ञानी सर्वेक्षण यानी मानव शास्त्री सर्वेक्षण, ठीक है, यहाँ पे मानव शास्त्री भी लिख सकते हैं, नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई, तो कितने हैं, 4000 से 5000। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये, कोटेशन है, सॉरी ये पूरा डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही आने लायक है और कई बार आ भी चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 4000 से 5000 और पीपल ऑफ इंडिया परियोजना के तहत मानव शास्त्री सर्वेक्षण द्वारा ये निकाला गया है। संस्था के विकास को किसने दर्शाया, तो समनर ने। मैंने संस्था के चैप्टर में बताया हुआ है कि इन्होंने किस तरह से संस्था के विकास की बात की, कि पहले परिस्थिति, फिर आवश्यकता, फिर धीरे धीरे विचार उत्पन्न हुआ, फिर इसी तरह से पूरा क्रम कैसे बनता गया संस्था तक आए, तो ये समनर ने बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका लाभ हो, और मुझे भी ज़रूरत है इस समय चैनल के प्रसार करने की, क्योंकि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप एक व्यक्ति यदि 3 लोगों को भी शेयर कर देगा तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, प्लीज़। ओके, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।